हेलो दोस्तों तो आज के इस वीडियो में हम लोग जोड़ करना घटाना गुना करना और भाग करना सीखेंगे ठीक है ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन है सबसे पहले हम लोग आसान सब सीखते हैं उसके बाद कठिन सवाल पाएंगे तो देखिए जोड़ करना दो तरह का है एक में है बिना हासिल वाला और एक में है हासिल वाला तो सबसे पहले बिना हासिल वाला करते हैं तो देखिए इसमें क्या करना है इस तरीके से अगर जोड़ दिया हो आपको तो आपको दाएं तरफ से शुरू करना है ठीक है दाई तरफ में सबसे ऊपर देखिए कितना है चार है तो सबसे पहले चार लाइन खींचिएगा एक दो तीन चार अब नीचे देखिए कितना लाइन है दो लाइन है तो इसमें और दो लाइन खींचना है एक दो अब इनको सबको गिन लेना है तो गिनते हैं एक दो तीन चार पाँच छ तो छः आ गया तो नीचे लिखेंगे छः अब अगला वाला इसमें देखिए कितना है फाइव तो सबसे पहले फाइव को लाइन खींचेंगे तो देखिए एक दो तीन चार पाँच नीचे कितना है तीन तो तीन लाइन और खींचेंगे एक दो तीन अब इनको गिनेंगे तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ आ गया तो इसके नीचे लिखेंगे आठ तो ये हम लोग का जोड़ बन गया ठीक है इस तरीके से हम लोग बिना हासिल वाला जोड़ करते हैं चलिए अब हासिल वाला जोड़ सीखते हैं इसमें क्या करना है दाएं तरफ से शुरू करना है ऊपर कितना है देखिए नाइन यानी नौ तो सबसे सब पहले नौ को लाइन खींचेंगे तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और नीचे कितना है पाँच तो पाँच लाइन और खींचेंगे एक दो तीन चार पाँच अब इनको आपस में जोड़ के गिन लेंगे तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह तो चौदह किस तरह से लिखते हैं हम लोग एक और चार ये हम लोग चौदह होता है तो इसमें देखिए क्या करना है आपको दाएँ वाला डिजिट लिखना है और दाएँ वाला को हासिल रखना है तो देखिए चार लिखेंगे यहाँ पे चार और एक को हासिल लाएंगे ठीक है अब इन तीनों को आपस में जोड़ के लिखेंगे तो सबसे पहले सात है तो सात लाइन खींचेंगे देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात फिर दो और खींचना है एक दो हासिल वाला एक है तो एक और खींचेंगे एक अब इनको गिनेंगे सबको एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस दस आ गया तो दस का पूरा दस ही लिखेंगे क्यों क्योंकि आगे तरफ हम लोग का कोई और संख्या नहीं है तो यहाँ पर हम लोग दस का दस लिख देंगे ठीक है तो इस तरीके से हम लोग हासिल वाला जोड़ भी करते हैं चलिए अब हम लोग घटाव करना सीखते हैं दाएं तरफ शुरू करते हैं ऊपर कितना है नौ है तो सबसे पहले नौ लाइन खींचेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ अब इसमें क्या करना है नीचे सात है तो सात लाइन को काट देना है तो चलिए काटते हैं तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात सात लाइन को हम लोग काट दिए और जो बचेगा उसको लिखना है तो बचा कितना दो लाइन तो नीचे लिखेंगे दो ये हो गया फिर अगला वाला इसमें देखिए छः है तो छः लाइन खींचेंगे एक दो तीन चार पाँच छ अब इसमें से दो को काटना है तो एक दो काट दिए अब जो बचा है उसको गिन के लिखना है तो एक दो तीन चार तो यहाँ लिखेंगे चार तो इस तरीके से हम लोग बिना वाला घटाव भी करते हैं चलिए अब अगला वाला देखते हैं देखिए दो में से पाँच घटाना है तो दो में से पाँच तो घटेगा नहीं तो क्या करेंगे हम लोग इसका जो सामने वाला है उससे उधार लेंगे तो ये इसको एक उधार देगा अगर ये इसको उधार देगा तो कितना बन जाएगा ये बन जाएगा बारह ठीक है ये बन जाएगा बारह अब ये दो नहीं रहा ये बन गया बारह अब बारह में से हमको पाँच घटाना है तो बारह लाइन खींचेंगे पहले एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह अब बारह लाइन में से पाँच लाइन को काटना है तो एक दो तीन चार पाँच अब जो बचा है उसको गिन के लिखेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात सात लाइन बचा है तो यहाँ पे सात लिखेंगे ठीक है अब इसमें ध्यान दीजिएगा ये एक उधार दिया था तो ये आठ नहीं रहा ये कितना बन गया है सात बन गया है ठीक है अब सात में से हम लोग तीन घटाएँगे तो यहाँ पे सात लाइन खींचेंगे पहले एक दो तीन चार पाँच छः सात अब सात में से तीन को काटेंगे एक दो तीन बचा कितना देखिए एक दो तीन चार तो यहाँ लिखेंगे चार तो इस तरीके से हम लोग हासिल वाला घटाव भी करते हैं चलिए अब हम लोग गुना करना सीखते हैं तो गुना करने से पहले आपको टेबल याद होना चाहिए दो से लेकर कम से कम नौ तक याद जरूर होना चाहिए ठीक है जिससे आप गुना कर सकते हैं तो मान लेते हैं कि आपको टेबल याद है तो इसमें देखिए सिक्सटी थ्री को टू से मल्टीप्लाई करना है इसका मतलब जो नीचे रहता है उसका आपको टेबल याद होना चाहिए तो दो का पहाड़ा हमको पढ़ना है कितना बार तीन बार ठीक है तो दो का पहाड़ा चलिए पढ़िए दो एक कम दो दो दूनी चार दो तिया तो दो तिया छः यहाँ पर लिखेंगे छः हो गया अब दो का पहाड़ा पढ़ेंगे छः बार तो देखिए दो एक कम दो दूनी चार दो तीया छः दो चौके आठ दो पच्चे दस दो छ का बारह तो यहां लिखेंगे बारह तो आ आगे हम लोग का गुणनफल तो इस तरह से हम लोग गुना करते हैं चलिए आगे देखिए इसमें दो डिजिट था इसमें तीन डिजिट है ठीक है तो इसमें भी कैसे गुना करेंगे देखिए तीन का पारा पढ़ेंगे कितना बार पाँच बार तो तीन एक तीन तीन दूनी तीनतिया नौ तीन चौके बारह तीन पच्चे पंद्रह तो पंद्रह का हम लोग क्या लिखते हैं पाँच को लिखते हैं और एक आ जाएगा हासिल तो पंद्रह का पाँच और एक आ गया हासिल ठीक है अब तीन का पढ़ा पढ़ना है चार बार तो तीन कम तीन तीन दुनी छः तीन तिया नौ तीन चौके बारह बारह आ गया तीन का पढ़ा चार बार पढ़ा तो बारह आ गया और उसमें इस एक को जोड़ देना है तो बारह में एक जोड़ेंगे तो तेरह तो तेरह का हम लोग तीन लिखेंगे और उसका भी हा, एक हासिल चला जाएगा ठीक है अब तीन का पढ़ा पढ़ना है छः बार तो तीन एक कम तीन तीन दूनी छः तीन तीन नौ तीन चौके बारह तीन पच्चीस पंद्रह तीन छ अठारह अब उस अठारह में इस एक को जोड़ना है तो अठारह और एक उन्नीस तो इस तरीके से हम लोग गुना करते हैं ठीक है आशा करता आपको गुना भी समझ में आ गया होगा चलिए अब हम लोग भाग करना सीखते हैं तो भाग में देखिए क्या करना है ये जो बाहर दिया हुआ है दो दो से भाग करना है आठ सौ छियालीस को ठीक है यानी कि आपको दो का पहाड़ा याद होना चाहिए तो दो का पहाड़ा आपको याद है चलिए दो का पहाड़ा पढ़ेंगे आपको दो का पहाड़ा इतना बार पढ़ना है कि ये जो पहला संख्या है ठीक है ये आ जाना चाहिए या फिर इससे कम वाला आना चाहिए ठीक है तो चलिए दो का पहाड़ा पढ़ते हैं दो एक कम दो 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 दूनी चार दो तीन छः दो चौके आठ तो देखिए हम लोग अगर चार बार पढ़ते हैं तो आठ आ जा रहा है तो यहाँ पर चार को यहाँ लिखेंगे ठीक है कि दो चौके आठ और आठ को यहाँ लिखेंगे अब क्या करते हैं इसको घटाते हैं तो आठ में से आठ घटाएंगे तो जीरो या फिर आप इसको काट भी सकते हैं इस तरीके से ठीक है अब अगला वाला संख्या उतारिए अगला कितना है चार तो यहाँ पे चार उतारेंगे अब देखिए दो का आ पढ़िए दो कम दो दो दूनी चार तो दो बार पढ़ने से आ जा रहा है तो यहाँ पे दो लिखेंगे और यहाँ चार फिर वही घटाएंगे इसको घटाएंगे तो कितनी कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ काट सकते हैं चलिए अब अगला वाला संख्या उतारेंगे छः उतार दिए अब दो का पढ़ा पढ़ेंगे दो एक कम दो दो दुनी चार दो तिया छः तो तीन बार में देख रहे हैं हम लोग कि हम लोग का छ आ जा रहा है तो यहाँ पे छः उतारेंगे और उसको घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा आप काट सकते हैं इस तरीके से हम लोग का भाग होता है ठीक है ये हम लोग का भागफल आ गया ये हम लोग का एंसर है चलिए और चलिएगाक्टो तो देखते हैं इसमें देखिए तीन से भाग करना है तो इसमें देखिए पहले हम लोग तीन से देखेंगे एक को तो तीन से तो एक जाएगा नहीं तो क्या करेंगे दो संख्या ले लेंगे दो अंक ले लेंगे तो इसमें देखिए बारह अब तीन का पढ़ा पढ़ेंगे कितना बार में बारह आता है तो तीन अक्कम तीन तीन दूनी छः तीन तीन नौ तीन चौके बारह चार बार में तो यहाँ लिखेंगे चार और यहाँ लिखेंगे बारह तो तीन चौके बारह और बारह में से बारह घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा ठीक है कट जाएगा अब अगला बार संख्या उतारते हैं तो पाँच को उतारेंगे तो देखिए तीन का पढ़ा में पाँच आता है तीन का पढ़ा में नहीं आता है तो पाँच से कम को हम लोग लिखेंगे तो तीन अक्कम तीन तीन दूनी छः देखिए अगर दो बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे तीन एक कम तीन लिखेंगे यहाँ पे अब पाँच में से तीन घटाएंगे तो कितना आएगा दो आएगा तो यहाँ लिखेंगे दो अब फिर अगला संख्या उतारेंगे अगला कितना है एक है तो एक उतारेंगे अब तीन का पढ़ा पढ़िए तीन एक कम तीन तीन दूनी छः तीन तिया तीन नौ तीन चौके बारह तीन पचे पंद्रह तीन छः अठारह तीन सत्ते इक्कीस सात बार में आ रहा है हम लोग का इक्कीस तो तीन सत्ते इक्कीस यहाँ लिखेंगे अब देखिए इक्कीस में से इक्कीस घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा काट दीजिए तो ये हम लोग का आंसर आ गया यानी भागफल आ गया तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं ठीक है ये बेसिक था ये आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इसी तरह के मैथ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू